हेलो गाइस, आज मैं सिखाऊंगा एक एक्सटेंशन बोर्ड को कैसे वायरिंग करते हैं। दोस्तों, एक एक्सटेंशन बोर्ड आप बना सकते हैं घर पे बहुत ही कम खर्चे में। मतलब दोस्तों, अगर आप मार्केट से खरीदेंगे ना तो उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर आप खुद बनाएंगे, मतलब कुछ पैसा खर्चा करके कुछ सामान मंगाएंगे और आप खुद ही अगर सेट करेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एक एक्सटेंशन बोर्ड आप बना सकते हैं। आपको सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है एक एक्सटेंशन बोर्ड को। ये जो स्विच है मैंने लगा लिया है, तो दोस्तों आपको एक अलग अलग ही मिलेंगे, ठीक है। तो एक एक करके अलग अलग प्राइस में आता है। दोस्तों, मैंने लिया प्रीतम का कुछ स्विचेस, और देखिए दोस्तों ये जो सॉकेट है ना, ये मैंने अलग से ही परचेस किया। तो आपका जितना भी पॉइंट चाहिए उस मर्जी से आप उतना साइज का खरीद लीजिए। उसके बाद आपको चाहिए एक थ्री, मतलब आपका एक्सटेंशन बोर्ड पे जो भी लाइन आएगा ना, इसके मदद से आएगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी का खरीदना है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हम बार बार इसको अनप्लग और प्लग इन करते हैं तो बहुत जल्दी ये खराब होने का चांस। इसीलिए अगर अच्छा क्वालिटी का खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा और बहुत ही मजबूती से काम करेगा, ठीक है। और आपको चाहिए वायर दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आपका वायर भी लेना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर इसमें अगर आप वायर कुछ लो क्वालिटी का लेंगे ना, तो जलने का भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड में हम बहुत सारा हेवी वर्क भी कभी कभी कर लेते हैं। तो ये भी ध्यान देना है कि जो वायर है वो थोड़ा अच्छा ही खरीदना है, क्योंकि एक बार ही तो इन्वेस्टमेंट है ना। तो दोस्तों फिर क्या है दोस्तों, देखिए इसके साथ कुछ स्क्रू भी मिलेगा बाद में आपको फिक्स करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, देखिए ये जो साइड है इसमें आपको कुछ दो वायर आपको चाहिए, ठीक है। आप सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं, एक वायर से मेरे को लग रहा है हो जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, देखिए ये जो पॉइंट है ना, एक है न्यूट्रल और एक है एल लाइन। तो दोस्तों जिस पे एल लिखा हुआ है ये लाइन जाएगा और ये रहेगा न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल जो है वो हमेशा ही सबका सेम रहेगा। क्या है दोस्तों, अगर मैं एक स्विच में यूज़ करता तो वो अलग होता, लेकिन दोनों के लिए मैं अलग अलग दो स्विच यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसके लिए भी अलग स्विच, इसके लिए भी अलग स्विच। तो इसमें और कोई लाइन आउटपुट नहीं जा रहा है, सिर्फ एक्सटेंशन बोर्ड है। इसीलिए आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको अगर आप मेन स्विच वाला जो बोर्ड है उसमें अप्लाई करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि गलती कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको जो करना है, आपको ध्यान देना है कि जो लाइन आएगा वो किस में आएगा, ठीक है। सबसे पहले जो लाइन आएगा वो आएगा स्विच में, ठीक है। स्विच से फिर इधर जाएगा लाइन। तो क्या करना है दोस्तों, देखिए ये जो स्विच है ना, इसमें सबसे जो ऊपर जो लाइन रहता है इससे आउट होता है, और जो इधर नीचे वाला जो है इसमें इन रहता है, ठीक है। तो ये वाला लाइन हमको हम लोगों को सब सेम कर। तो देखिए दोस्तों, एक पॉइंट इसमें लगेगा और कुछ इस तरह से, और एक पॉइंट लगेगा। तो हमको क्या करना है दोस्तों, कुछ इस वाला जो पोजीशन है ना, इसमें हमको और एक बार काट लगाना है। तो ध्यान से करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको काट कर लेना है, ठीक है। मतलब एक पॉइंट इसमें। तो क्या करना है, टेस्टर से आप इसको पहले पूरा लूज कर दीजिए, ये स्विच वाला पैनल है, ठीक है। तो ये स्विच में जा रहा है, जो लाइन आ रहा है इसमें, ये ध्यान दे रहा है आपको कि लाइन आ रहा है। तो इससे पहले हमको एक काम करना है दोस्तों, जो लाइन आएगा ना, ये लाइन को के लिए हम लोगों को एक पॉइंट रखना है, जिस पॉइंट से ये वायर इन होगा, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, इसमें एक छेद कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, आप हाथ से ही टेस्टर से आप इसमें छेद कर ले सकते हैं। तो जो भी वायर है आपको इधर से इन कर लेना है। अगर आप पहले लगा लेंगे तो बाद में आपको दिक्कत में पड़ना होगा दोस्तों, तो इसीलिए सबसे पहले जो वायर है उसको इन कर लेना है। तो आप दोस्तों, ये जो पॉइंट मैंने रखा इसमें जाएगा एक, और दूसरा जाएगा इसमें। फिर आपको इसको टाइट कर लेना है। फिर देखिए दोस्तों, इसका जो पॉइंट है वो बाहर रहेगा, तो क्या करना है, इसको थोड़ा अंदर की तरफ खींच लेना है, ठीक है। खींच लेंगे तो ये पूरा पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे,
फिर इसको भी फिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो न्यूट्रल है ना, ये हमेशा ही ऑन रहता है, मतलब इसमें स्विच का कोई काम नहीं होता है, ये हमेशा रहता है। अर्थिंग जो होता है ना, वही आप इसके जगह में आप अर्थिंग भी लगा सकते हैं। और अगर आपको एक्सटेंशन बोर्ड में अर्थिंग लगाना है दोस्तों, क्या करना है, जो थ्री पिन प्लग है ना एक्स्ट्रा जो होता है, इसमें लगता है अर्थिंग, इसमें से आप और एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ सकते हैं जो अर्थिंग के काम में आता है। तो मेरे को अभी फिलहाल तो नहीं चाहिए, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो देखिए, एक अच्छे इसमें चाहिए और एक चाहिए इसमें, ठीक है, इस धार तक। तो जो न्यूट्रल है वो अभी फिक्स हो चुका है दोस्तों। अब बाकी रहा हमारा लाइन का, तो ये जो लाइन है इसमें से एक एक स्विच से जो मेन लाइन आएगा, तो क्या करना है दोस्तों, पहले एक माप लेना है कि इसमें से आपको एक लाना है इधर और दूसरा से एक लाना है इधर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फिक्स करने के बाद जो एक्स्ट्रा वायर रहेगा ना, तो आपको काट कर लेना है, क्योंकि जितना क्लीन रहेगा ना उतना अच्छा से आपका काम होगा। अगर शॉर्ट सर्किट से बचना है तो इस सब को क्लीन रखना है। तो अभी हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है उसका वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, तो इसको फिक्स कर लेता हूँ दोस्तों। पूरा आपको टाइट करना है दोस्तों, अगर आप कुछ इसमें प्लग इन करेंगे ना, उसको जब खींचेंगे तो इसमें बहुत प्रेशर रहता है, तो अगर आप ये सही से टाइट नहीं करेंगे ना, तो उस वक्त आपका जो है वो निकल सकता है। फिर दोस्तों, थ्री पिन प्लग को ओपन कर लेना है। तो देखिए, ये वाला जो नट है ना, ये वायर को फिक्स रखता है, तो क्या करना है दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे लाना है, फिर जो वायर है इसको इधर से लगाना है। और देखिए दोस्तों, इसमें आपका लिखा रहेगा, फिर भी आपको चेक कर लेना है अगर आप एक्सपीरियंस वाला है तो। तो देखिए दोस्तों, इधर से एल जो है इसमें लाइन आएगा और जो एन है इसमें न्यूट्रल है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लैक वाला जो वायर था वो हमने लगाया था लाइन में, तो ब्लैक लाइन में ही आएगा, ठीक है, इसमें से राइट जाएगा। तो आप कन्फ्यूजन में मत रहिए, आपको जस्ट देख लेना है जिधर एल रहेगा ना उसमें ही लगाना है। तो ये जो वायर है थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, तो मैं इसको कुछ इस तरह से काट लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें लाइन देके देखता हूँ दोस्तों, चलिए लाइन दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी लाइन दे चुका हूँ, तो इसमें से आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए, जो लाइन है हमारा राइट साइड में आता है ना, तो इसमें लाइन अभी नहीं आ रहा क्योंकि स्विच जो है बंद है। तो दोनों अभी देखिए दोस्तों, इसमें लाइन दे रहा हो तो आपको अगर दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिए लाइन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी देख लेता हूँ, हाँ इसमें भी बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा अंधेरा कर देता हूँ तो दिखाई दे रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद। और दोस्तों प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले दिन में बहुत सारा वीडियो हम लोग लाए और आप लोग को बहुत सारा हेल्प हो जाए दोस्तों।